इस टैबलेट को, इस कैप्सूल को आप देख रहे हैं, इस कैप्सूल के बारे में बताएंगे। इस कैप्सूल को बताने से पहले इसके क्या क्या, इसकी क्या प्राइस है इसके बारे में बताएंगे। 86 रुपये का एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल के लाभ को बताने से पहले इसका नाम बता देना चाहते हैं। डेक्स्ट्रोमेथरफन हाइड्रोब्रोमाइड फेनिल फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनिरामाइन मेलाइट, मेलेट सॉफ्ट है, जो मेलेट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, कैप्सूल है। इसका उपयोग किस लिए होता है इसके बारे में बताएंगे, इसके लाभ और हानि को भी बताएंगे। लाभ इसके सुनिए, किसका उपयोग किस लिए होता है, क्यों किया जाता है, डॉक्टर इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं, इन सभी जानकारियों को आज हम देंगे। आप यदि इस दवा का, इस कैप्सूल का उपयोग कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और यदि आपको ज़्यादा खांसी आ रही है, इसका उपयोग सूखी खांसी में किया जाता है, मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधियों को कम करता है। मस्तिष्क में जो खांसी के लिए बनता है कि खांसी आ रही है, सोचते हैं या खांसी बनने की प्रक्रिया चालू होती है, तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए, कम करने के लिए कार्य करता है यह कैप्सूल। जो व्यक्ति में खांसी लाता है उसको कम करने के लिए, खांसी न लाने के लिए इस कैप्सूल का उपयोग करने के लिए देते हैं। देख लीजिए, रेड कलर का है। और जो देखा जाए तो सर्दी जुकाम और खांसी में भी काम करता है, मतलब सर्दी जुकाम और खांसी को भी कम करके सही और राहत दिलाता है व्यक्तियों को। इन दिनों बहुत लोगों को खांसी आ रही है, सर्दी और जुकाम हो रहे हैं, तो कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं आप और डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि डॉक्टर की सलाह लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जानते रहिए, कभी क्या होता है कि डॉक्टर की सलाह नहीं लें, मतलब प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप इस दवा का उपयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सही हो जाएंगे। और यदि आपको इसके सिम्टम्स, साइड इफेक्ट दिखें कि चक्कर आ रहा है, उत्तेजना हो रहा है, उलझन हो रहा है, ऐठन हो रहा है शरीर में, श्वसन और में प्रॉब्लम हो रही है, उल्टी आ रही है, दस्त हो रहा है, आपको लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये सारी सिम्टम्स दिखें तो आप इस दवा को बंद कर दीजिएगा, बंद कर देना, ठीक। और सर्दी जुकाम खांसी जब आती है इन दिनों तो सही नहीं होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, तो इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए किसी को ये दवा फ़ायदा कर देता है तो किसी को ये और दवा उसको सही कर देता है। तो सबकी अलग अलग शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसी के हिसाब से दवा भी काम करती है। तो हम चाहते हैं कि आप जानते रहिए। और यदि जैसे गांठ होता है, ट्यूमर हो जाता है, बहुत सारी दवाएं काम नहीं करती हैं, लेकिन एक छोटी से छोटी दवा काम कर देती है, होम्योपैथिक की दवा काम कर देती है, अंग्रेजी दवा काम नहीं करती तो होम्योपैथिक की दवा काम कर देती है। तो सबके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से दवाएं, टैबलेट और कैप्सूल्स काम करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी दवाएं और बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है अपने इस यूट्यूब में, इस आपके यूट्यूब चैनल में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में, आप देख सकते हैं। समय के हिसाब से मैंने नाम भी रखा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, अर्थात मॉडर्न जमाने के बारे में बताएंगे कि क्या इसमें चल रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप जानते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।